आज बात करेंगे मुंह के छालों की। छाले जो है मुंह में अक्सर सभी के हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे तो कभी नहीं हुए। किसी को कम होते हैं, किसी को ज्यादा बार हो जाते हैं, लाइफ टाइम में ये एक्सपीरियंस तो होता ही है। छाले जब भी होते हैं मुंह में, जीभ में, मसूड़ों के पास, कहीं भी मुंह में हो जाए वो पेन बहुत करते हैं। कुछ भी खाए पिए बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी ही जलन होती है उसमें। तो इसके लिए ना आज मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। पुराने टाइम से कुछ चली आ रही है, कुछ अभी तक हम यूज करते हैं जिससे हमें आराम मिल जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं कि आखिर छाले होते क्यों हैं। तो देखिए, छाले होने के बहुत सारे रीजन हैं। एक जो बड़ा मेन रीजन होता है वो ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है अच्छी तरह से, कब्ज रहती है, तो मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके लिए आप अपने पेट को ठीक रखें, यानी कि सुपाच्य खाना खाएं, थोड़ी बहुत सैर भी करें, सैर करने से भी पेट ठीक रहता है। और साथ में आपने पानी ज़्यादा पीना है, और रात को सोते वक्त आप इसबगोल ले सकते हो गर्म पानी या गर्म दूध के साथ, इससे भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेट अच्छी तरह से साफ होता है। इसके साथ ही कई बार अगर हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं ना, तो भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। विटामिन की कमी से भी हो जाते हैं, विटामिन बी या विटामिन सी की कमी से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। छाले होने का एक रीज़न और भी है जो कि मैंने नोट किया है, वो ये होता है कि जब भी हम बीमार होते हैं, मान लो कि हमें बुखार ही हुआ, गला खराब हुआ, बुखार हो गया, वायरल हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट से लेकर एंटीबायोटिक खा लेते हैं या डॉक्टर से भी ले आते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होती है ना, काफ़ी गर्म होती है। गर्म दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम एंटीबायोटिक या कोई गर्म दवाई खा रहे हैं तो हम साथ में एक मल्टी विटामिन या फिर बी का सूल, विटामिन बी का कैप्सूल दिन में एक बार जरूर ले लें जब तक हम दवा खा रहे हैं। इससे छाले नहीं होते हैं। अगर छाले हो ही गए हैं तो भी विटामिन का आप कैप्सूल बी का सूल एक दिन में एक जरूर ले लें, जिससे कि छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। छालों को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप ले लेना मुलेठी। तो ये मेरे पास जो है छोटे छोटे पीस वाली है, बड़ी बड़ी मुलेठी भी आती है और एक मुलेठी का पाउडर भी आता है, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हो। तो मुलेठी में जो है ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे गला खराब हो उसको ठीक करते हैं, गले में खराश हो वो ठीक हो जाती है, या मुंह में छाले हैं या खांसी है, सब कुछ इससे ठीक होता है। इसका टेस्ट भी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, इसमें शुगर वैसे बहुत होता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है, आप लेना एक पैन में 1-1.5 गिलास तक पानी, इसमें डाल देना मुलेठी के 1 से 2 टुकड़े, छोटे छोटे ही डालने हैं। इसको बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना, 1 से 2 बॉईल दिलवा लेना बस। इसका कलर चेंज हो जाएगा पानी का, देखिए आप ऐसा हो जाएगा येल्लो येल्लो, मुलेठी का सारा असर इस पानी में आ गया है। अब आप इसको गुनगुना हो जाए ना, तो इससे आप करना गार्गल, गरारे करना दिन में 2 से 3 बार, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। उसके बाद आपने क्या लगाना है वो भी बताती हूँ। अब छाले पर कुछ लगाएंगे जिससे कि छाला जो है जल्दी ठीक हो। तो देखिए, वैसे आप मार्केट की ट्यूब वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन आज मैं आपको घर पर ही 1-2 ऐसे तरीके बता दूंगी जो कि बहुत इफेक्टिव है। आप लें हल्दी, हल्दी हमारे घरों में होती ही है, फ्रेश लेना। अगर मसालेदानी से निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, कई बार और मसाले भी गिरे होते हैं जैसे लाल मिर्च वगैरह, तो वो नहीं लेना। तो आप 1 चम्मच, आधी चम्मच, जितने आपके छाले उस हिसाब से ले लेना। और इसमें मिलाना आप दूध, दूध मिला लेंगे कोई भी हो, चाहे कच्चा हो चाहे बॉईल किया हो, मिला लेना 1-1.5 चम्मच तक, जिससे कि ये थिक सा लेप बन जाएगा। तो हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, छालों को बहुत जल्दी ठीक करेगी। और आप इसको लगाकर कुछ देर रुक जाना, एकदम से कुल्ला नहीं कर देना, इसको लगाकर रुकना, जिससे कि एक लार सी थूक सा निकलेगा वो आप बाहर गिराना, यानी कि आप उसको बाहर निकालते रहना, अंदर नहीं ले जाना। वो जो लार सी होगी ना, उसमें होगा हमारे छालों में जो इन्फेक्शन होता है और मवाद वगैरह होती है ना, वो निकल जाएगी, वो निकालना जरूरी है। वो निकल जाए फिर आप अच्छी तरह साफ पानी से कुल्ला कर लेना। तो इस तरह से आप दिन में 2-3 बार लगा लेना। इसको आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो, बार बार लगा लेना, ठंडक देगा ये। अब एक और मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, छोटी सी है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों बनाएं, आप कोई एक भी यूज कर सकते हो या दोनों भी कर सकते हो बारी बारी। तो आपने कोकोनट ऑयल लेना है 1 चम्मच, देखिए जो हमारे घरों में होता है वो भी ले सकते हो, या आपके पास दूसरा ई टेबल आता है एक, वो है तो वो भी ले सकते हो, दोनों से कोई भी ले लेना।
इसके साथ इसमें मिला लेना एक चम्मच हनी। हनी में जो होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो जो भी हमारे छाले वगैरह हुए हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो हनी से वो ठीक होगा। तो इसको मिलाकर आप अपने छालों पर लगाना, थोड़ी देर छोड़ना, उसके बाद वैसे ही लार निकलेगी तो उसे अंदर नहीं ले जाना, आप उसे बाहर निकलने देना, थूक की तरह बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सादे पानी से कुल्ला कर लेना, तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। इसके साथ साथ आप पानी बहुत पिए और साथ में नारियल पानी भी पिए, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। तो देखिए, मैंने आपके साथ जो भी होम रेमेडी शेयर की है, ये हम लोग घर में अक्सर यूज करते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। छाले जो है इन रेमेडीज को यूज करके जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन केस अगर आपके छाले 15-20 दिन का यूज के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, एक एक महीना ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसकी कुछ और वजह भी हो सकती है, जैसे पेट में अल्सर होने से भी छाले हो जाते हैं मुंह में, या फिर कई बार बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, या फिर दांतों में कोई इन्फेक्शन उसकी वजह से भी होते हैं। तो फिर आप ऐसे केस में डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपने टेस्ट वगैरह भी करवा लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर जरा भी यूजफुल लगी है ना, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।